अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। सो जी भी मैंने की अफ्तारी एंड थोड़ी सी मैंने की स्किन केयर। और स्किन केयर ना मैं काफ़ी अरसे से मतलब कर रही हूँ, बट इट इज़ लाइक ऑन एंड ऑफ, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है यू नो। एंड आई विल शो यू द प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ, एंड इट्स बेसिकली मम्मा पापा वो यूज़ करते हैं एंड सो मैं भी कहती हूँ बस लगा लेते हैं। तो अभी बर्तन बहुत हो गए एज यू कैन सी, तो मैं इनको लगाऊंगी डिश वॉशर में एंड ताकि जब सहरी का टाइम आता है ना तो बर्तन तो मिलें कम अज़ कम। सो लेट्स गो। ये पिछले बर्तन एंड ये धुले हुए हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी एंड न्यू लगा लूँगी। मुझे दो दिन से छुट्टी थी, लाइक कल छुट्टी है मुझे, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जाऊँगी मैं। मुझे कल छुट्टी है तो मैं काफ़ी फ्री हूँ, लाइक मेरे दिमाग से स्ट्रेस निकला हुआ है, तो मैं भी जाऊँगी ऊपर कमरे में एंड अपना व्लॉग मैंने एडिट किया हुआ है, जस्ट मैं व्लॉग डालूंगी। और व्लॉग डाल के जो खुशी होती है ना कि एटलीस्ट आई डिड समथिंग गुड। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जी ये बस लगा दिए बर्तन, टोटली मुझे कोई 10 मिनट इसको लोड करने में लगे हैं। और बर्तन हमारे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, बस हल्का सा ऑलरेडी वो साफ़ होते हैं, तो बस मैंने इसको अंदर लगाना होता है। ये ग्लासेस का और कप्स का सेक्शन एंड दिस वन इज स्पूंस का, तो ये कोई हो जाएगा एक आधे घंटे में, जस्ट 1 आवर में हो जाएगा, 1 आवर में बिल्कुल धुल जाएंगे। और फिर सहरी के टाइम पे हमें मतलब बर्तन की ज़रूरत नहीं होगी, बर्तन ऑलरेडी हमारे पास होंगे धुले हुए। तो ये टैबलेट्स होती हैं एंड मैंने बड़ा इसमें पैक लिया हुआ है क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है डिश वॉशर, लाइक रोज़ाना एक दफ़ा तो लाजमी होता है इफ्तारी के टाइम पे। एंड ये इसकी टैबलेट है, ये एक टैबलेट होती है जो कि हमें इसके अंदर पुट करते हैं एंड बंद करते हैं। इसको हम क्लोज कर देंगे। मिनट्स का टाइम है, हम इसको स्टार्ट कर देंगे एंड सारे बर्तन हमारे इसके अंदर डल गए हैं, बस ये 59 मिनट्स के अंदर साफ़ हो जाएंगे और सहरी में हमारे बर्तन हमारे पास होंगे। सो जी छुट्टी का दिन था और मैं अपने कामों पे लगी हुई थी, अपना सौदा सलफ लेने गई हुई थी। एज़ यू नो कि मेरे पास एक अदद बिल्ली भी है जो कि हर वक्त खाती रहती है और वो चिकन और गोश्त का बहुत मतलब फ़ैन है ना, तो फिर उसके लिए हमेशा हमें लाना पड़ता है गोश्त और घर के लिए भी चाहिए होता है, तो लाइक हफ्ते में एक चक्कर मेरा लाजमी लगता है वहाँ पर। तो जी यहाँ पे मेहमान आए हुए थे तो मम्मा ने कहा कुछ स्पेशल बनाते हैं, हमने एक अलग तरीके से अलग रेसिपी से हमने बनाई है जी बिरयानी, सॉरी हमने नहीं मम्मा ने बनाई है एंड इट लुक्स सो अमेजिंग एंड सो यम्मी, आई कांट टेल यू के लाइक इट वाज रियली समथिंग डिफरेंट सा, बिरयानी से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सी थी, तो एक मज़े का कॉम्बिनेशन बना था। इन स्टाइल से बनाइए और मटर मसाला रेडी होने वाला है, इसमें हमने पुदीना भी डाला है और चिकन पाउडर भी डाला है। मटर रेडी होने वाला है, बस बहुत बन गया क्यों फिर थोड़े से। Guys, assalamu alaikum and welcome to my vlog and we are here at the library. मैं कहती हूँ मुझे कोई मैम पकड़ ना ले व्लॉग बनाते हुए, तो इट्स बिजी डे एंड मैंने सिर्फ 1 घंटे की नींद पूरी की है और यार ग्रुप्स आ गए हेलो हाँ एंड लाइब्रेरी में माएँ ऐसी ही एवी बिला वजह कुछ काम नहीं था हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं यार मुझे टेंशन हो रही है। महनूर का फूल एस्थेटिक, महनूर का न्यू कवर है, क्या शशके हैं महनूर के नया कवर ले लिया महनूर भाई के नीचे, हम आपको करीब से दिखाते हैं। प्रोटेक्टर भी लगाया बट प्रोटेक्टर नहीं लगा तो किसी भी वक्त हलाक हो सकता है। Guys, this is me and Mahnoor. Run away. This is not clear. And we
वी आर सर्चिंग फॉर द रूम क्योंकि हमारी क्लास हमें मिल नहीं रही. मानो देखो ना ऊपर, दिस इज बेमार मानूर. अरे हैशटैग बनाती हूँ, बेमार मानूर, हैशटैग बेमार मानूर. गाइस सो मैं अभी आई थी यूनिवर्सिटी से एंड हम गए थे कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ चेंज करवाने गए थे सूट्स. एंड यू वॉन्ट बिलीव दिस के अभी हम एक बिल्ली को लेने जा रहे हैं. किरण की बिल्ली थी बिल्लू, वो हमें छोड़ के चली गई. चेक करें बिल्ली को. मैं इनको कह रही हूँ हमारी बिल्ली नहीं है, इनको यकीन नहीं आ रहा है. मैं मुझे ना डर है कि घर वाले जो जिनका भी घर है ना ये निकल आएंगे और कहेंगे कि आप लोग. मैं ना बहुत दफ़ा आई हूँ बिल्ली को ढूंढने और वो कहेंगे कि ये कौन सी मशकूक औरतें हैं जो यहाँ पे आई हैं. ये ऊपर बैठी हुई अल्लाह पूरे जहान देख रहे. गाइस मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं जैसी आई थी यूनिवर्सिटी से हम लोग कुछ कपड़े एक्सचेंज करवाने गए थे. मैंने सोचा तो मैं व्लॉग बनाऊँगी बट यू नो बहुत ज़्यादा काम था तो मैं नहीं बना सकी. मेरे हैंड्स बिल्कुल भी फ्री नहीं थे, मैंने बहुत शार्पर उठाए हुए थे. तो जी ये लोग अभी बिल्ली देखने गए लाइक या बिल्ली देखने गए. ये बिल्ली मैं छोड़ गई थी एंड उसके बाद नहीं आई. तो इनको लगता है वही बिल्ली है बट मुझे लगता है वो नहीं है. तो वेल आप जो बिल्ली चली जाए ना आप उसको मतलब ला नहीं सकते, वो अपनी विल पे गई है ठीक है, और विल पे ही आई थी. तो आई एम जस्ट टायर्ड नाउ एंड मैं अभी भी इनको बिल्लियों के कामों के लिए विली हूँ. ये लोग पकड़ी जाएंगे. ऐसे खड़े हुए मैं दिखाती हूँ मुझे नहीं मानो आओ. अंकल बाहर घर वाले बाहर निकल के आए और कहेंगे कि मेरी बिल्ली को तुम छोड़ी करके लेके जा रही हो. तेरी भी जितनी आंखें तो दिखा देती. व्लॉग नहीं बनाओ यार चल. तुम प्लीज व्लॉगिंग बस उसने वो मानो उसको तंग करता था ना. मम्मा मेरी बिल्ली आई. ये बिल्ली नहीं है यार, ये मेरी बिल्ली है. ये नहीं है, वही है ये. इसकी आंखें देखी है मैंने. सो गाइस अब आते हैं हम ईद की शॉपिंग पे. ये है निशात लिनन और यहाँ पे मैं अनस्टिच इनके देखने आई हूँ. बट लास्ट टाइम सेल लगी थी सो इट वाज ओके, बट दिस मंथ कोई सेल नहीं थी तो द प्राइसेस वर लाइक रियली हाई. एंड मुझे इनका एक सूट बहुत पसंद आया था, आई विल शो यू दिस येलो वन. ये येलो एंड ब्लैक कलर का है तो ये वाला मुझे तो बहुत पसंद आया था और इसका कंट्रास्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. बट एज आई सेड बिफोर कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. फिर मैं गई बोनांजा सतरंगी और मैं बहुत शौक थी देखकर इनके प्राइसेस, बिकॉज लास्ट टाइम 5000 में इनका अच्छा खासा 3 पीस आ जाता था. अब आप इनका प्राइस टैग देखें, दिस इज़ अ सिंपल सूट एंड दिस इज़ अबाउट लाइक अबाउट 8000 ठीक है. तो मुझे लगता है इस दफ़ा काफ़ी ब्रांड्स ने हाइप क्रिएट की हुई थी. ये आप ही फायदा और ये भी ब्लॉगर बन गए हैं, इनका यूट्यूब चैनल है. उनके साथ जा रहे हैं KFC खाने. कुछ बोल नहीं रहे. सो गाइज अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फाइजस नैन व्लॉग्स का लिंक शेयर कर दूंगी. आपने क्या करना है, आपने जाके उनको सब्सक्राइब तो लाजमी करना है. उनके व्लॉग्स आप देखें, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब देम. ओके थैंक यू. सो गाइज नाउ आई एम गोना शो यू सम ईद बॉक्सेस जो मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए मंगवाए थे. मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था प्रिपरेशन करने के लिए कि मैं खुद जाती हूँ मतलब चीज़ें एक एक सिलेक्ट करती, वरना मैंने खुद ही करने थे. बट सिंस मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऑनलाइन मंगवाना ज़्यादा सही समझा. सो दिस ईद वी फ्रेंड्स डिसाइडेड कि हम एक दूसरे को ईदी देंगे.
क्योंकि हमें तो किसी ने देनी नहीं है, तो हमने सोचा हम खुद को देख के ही खुश हो जाते हैं। तो ये जी मैंने प्रिपरेशन की थी और उन्होंने भी मुझे दिया था और मैं अभी आपको ये बॉक्सेस खोल के दिखाऊंगी। दे वर रियली सो अमेजिंग यार। बॉक्सेस डिफरेंट कलर्स में थे। मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए पर्पल मंगवाया था और कुर्सन की फ्रेंड के लिए रेड था एंड इट्स लिटरली सो प्रीटी। आप देखें इसमें कितना कुछ है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल भी था। सो इफ़ यू वांट टू बाय इट, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इंस्टाग्राम इसका पेज मैं आपको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन पर जाके ये चेक कर सकते हैं। एंड मुझे तो ये बहुत पसंद आया एंड मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आया। सो गाइज ये मुझे ईदी मिली है मेरी फ्रेंड वीरा की तरफ से एंड जस्ट लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल। उसने सब कुछ खुद बनाया था। द थिंग वॉज मैंने तो चलो बना बना लिया था, सबने मुझे बना बनाया खुद बना के दिया था, तो वो इट मीन्स रियली अलॉट टू मी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत डाली हुई थी अपनी हर चीज़ के अंदर। ये ईद कार्ड भी उसने खुद बनाए थे। दीज वर द पोनीज जो उसने मुझे दी थी, सम चॉकलेट्स और ये क्यूट सी लिटल सी डायरी। सो थैंक यू सो मच अवीरा। एंड गाइस ये ईदी मुझे रोशनी ने दी थी एंड इट वाज रियली सो मच ब्यूटीफुल। इसमें काफ़ी एक पेंडेंट था, सम इयररिंग्स, मेहंदी एंड देयर वर सम ब्लू बैंगल्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे एंड बहुत क्यूट सी इसमें डेकोर हुआ था। टॉफी थी एंड सम चॉकलेट्स, क्यूट सी ईदी थी और मुझे बहुत पसंद आई। सो थैंक यू वेरी मच रोशनी फॉर गिविंग मी सच अ प्रिटी ईदी एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू वेरी मच। Wow, just looking like wow.
सो गाइस बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। हमने थोड़ी सी ईदी डिस्ट्रीब्यूट की और हमने बहुत सारा इंजॉय किया और आई होप आपको भी मेरा व्लॉग इसी तरह पसंद आया हो। डिस्क्रिप्शन में जाके गाइस लाजमी देख लीजिएगा, फाइजस नाइन व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी इंस्टा पेज भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी यार, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड लव फेस।